दोस्तों स्वागत है आपका। आज हमारी कहानी है अपने से प्यार करना सीखो। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था, पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया और उसने आकर के उसका हाथ पकड़ा और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसने पहले तो उसे थोड़ा सा समझाया और मना किया कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और तू मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप कर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता ने थोड़ा सा मुस्कराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और ज़ोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। यह सुनकर उसका बेटा थोड़ा सा मुस्कराया और पूछा अपने पिता से कि क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की आवाज़ नहीं, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ियों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसे ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट कर आवाज़ आएगी, उससे भी गुस्सा होगा। लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वह आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो सक जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से बोलते हो कि मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।